लाखों करोड़ों के डायमंड यहाँ पे अभी इतने सेक्शन में रखे हुए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी हम आए हैं एंट्रेप में, जो कि बेल्जियम में ही है। एक छोटा सा टाउन है यहाँ पर, और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो अभी मैं मिला हूँ मेरे एक दोस्त से जो कि ईरान का है और अभी बेल्जियम में रहता है, और इसका नाम है शयान। भाई मेरे आँख पे आएगा। काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन है ये। अगर आप यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट टाइम तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये रेलवे स्टेशन है। अभी हम थोड़ा और अंदर जाते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म, आगे आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेन खड़ी है दो, और इस साइड भी दो। तो ये है अपर फ्लोर प्लेटफॉर्म का, करके आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे लिखा भी है एंट्रॉप, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो गोल्डन इसमें उन्होंने लिखा हुआ है एंट्रेप, एंड ट्रेप शायद। लाइट की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है इनको। ऊपर आप सीलिंग देख रहे हो, पूरा खुला हुआ है, लाइट की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है इनको। रेलवे स्टेशन है, वाह। तो अभी हम स्टेशन के बाहर निकल गए हैं, और स्टेशन के जस्ट बाहर आते ही यहाँ पर एक चाइना टाउन बोल के है। तो आपने मेरे कुछ पुराने वीडियो देखे होंगे जापान के, जिसमें हम चाइना टाउन में गए हैं। जापान में सबसे बड़ा चाइना टाउन है, बट यहाँ पे भी छोटा सा है, और उसके अभी जस्ट हम एंट्री के बाहर खड़े हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो अभी हम खड़े हैं चाइना टाउन के बाहर, और ये है चाइना टाउन का एंट्री गेट। तो ऐसा ही सिमिलर गेट आपको देखेगा टोक्यो में, जहाँ पर चाइना टाउन है, पर वो इससे थोड़ा बड़ा है। यहाँ का जो चाइना टाउन है थोड़ा छोटा है। तो शयान यहाँ पर 2 साल पहले आया था एज अ रेफ्यूजी बोल के। तो ईरान में आपको पता है काफ़ी अभी क्राइसिस चल रहा है, तो जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है उन्होंने इसको अलाउ किया है यहाँ पे आने के लिए। तो 2 साल से यहाँ पर ही रह रहा है, और इसको अच्छी खासी यहाँ पर जॉब भी मिल गई है एंट्रम में, और ये अपने फैमिली को मिलने के लिए कभी कभी टर्की में भी जाता है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, पर आपको मैं बता दूं कि जो बेल्जियम है और बेल्जियम में जो सिटी है एंट्रेप, ये जानी जाती है डायमंड ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर एक डायमंड डिस्ट्रिक्ट बोल के एक एरिया है, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है डायमंड्स की। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इंडिया में काफ़ी ट्रेडिंग होती है गोल्ड की, जो जैन लोग होते हैं, जैन कम्युनिटी, वो ट्रेडिंग करती है गोल्ड की। तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जैन कम्युनिटी है जो कि ट्रेडिंग करती है यहाँ पे डायमंड की। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, और एक बात मुझे शयान ने बताई है कि यहाँ पर जो रिचेस्ट अमीर बंदे यहाँ पर जो है, अमीर लोग जो यहाँ पर है, वो इंडियन है, और उनके जो घर है वो सबसे बढ़िया है यहाँ के। बेल्जियम के लोगों से भी अच्छे इंडियन लोगों के घर यहाँ पर है। तो अभी हम जाने वाले हैं उस डायमंड डिस्ट्रिक्ट में, आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे डायमंड, अगर चांस मिला तो हम शॉप में एंटर करेंगे, विज़िट करेंगे और देखेंगे, अगर सस्ते रहे तो बाय भी करेंगे। उतने पैसे मेरे पास अभी नहीं है, पैसा है नमा, रुपया है नमा। यहाँ पर सारे शॉप्स अभी बंद है क्योंकि आज संडे है, तो आधे शॉप्स आज बंद है। तो आज थोड़ा और आगे जाते हैं, हम देखते कौन कौन सी शॉप खुली है। एक्चुअली मैं यहाँ पर कल आने वाला था, बट सैटरडे को तो पूरा मार्केट ये बंद था, और संडे को आधे शॉप्स बंद होते हैं आधे खुले होते हैं। तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं वाइट डायमंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो येलो डायमंड, ब्लू डायमंड, पिंक डायमंड है, और यहाँ पर ग्रीन डायमंड भी लगा हुआ है। तो इसके प्राइजेस यहाँ पे दिए हुए तो नहीं है इन्होंने, बट ऑलमोस्ट ये सारे जो डायमंड है इसके प्राइस 1000 यूरो के ऊपर ही हो गए। यहाँ पर देखो इसका प्राइस लिखा हुआ है, ये जो ईयरिंग्स है इसका प्राइस है 7000 यूरो, काफ़ी महंगा ये वाला। तो यहाँ पर है जो ब्लू वाला डायमंड है वो सफायर, ग्रीन वाला है
इमेराल्ट। इसके प्राइस इन्होंने दिए नहीं है शायद। कितने अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे डायमंड लगे हुए हैं, और क्योंकि ये इन्होंने बस बाहर एक स्टोर में कांच के इसमें लगा के रखे हैं, तो कोई भी इसको आके यानी कितना सेफ्टी यहाँ पे, नहीं तो अगर हमारे वहाँ लगा दो तो कोई भी आके कांच तोड़ दे और ये सारे के सारे डायमंड उठा के ले जाए। तो मुझे लगता है कि ये लाखों करोड़ों के डायमंड यहाँ पे अभी इतने सेक्शन में रखे हुए हैं। उन्होंने क्या करके रखा है, जो भी डायमंड के प्राइस है ना उसके ऊपर उन्होंने स्क्रैच करके रखा हुआ है जो नहीं क्यों, तो इसका प्राइस तो हम बता नहीं सकते यहाँ से, हमें शॉप के अंदर ही जाके देखना पड़ेगा। What is the difference between the original and this, like the percent and all that? Original comes from the earth, this comes from the machine. Okay. तो दोस्तों ये है रूबी और ये है लैब मेड। तो जो ओरिजिनल होता है ग्राउंड के अंदर से मिलता है वो वाला ये नहीं है, ये मशीन से बनाया हुआ है। तो ऑल आर वन कैरेट राइट? नो, फाइव कैरेट, सिक्स कैरेट्स। ओके, सो ये है वन कैरेट का रूबी। एंड इफ आई वांट टू यूज इट फॉर रिंग कैन आई यूज दिस? ऑफ कोर्स। You said 1 carat for 1,070. 150 euros. 150 euros. Do you have any discount on this? No. No? मैंने सुना था कि बेल्जियम में आप जब डायमंड लेने जाते हो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, तो मैंने ट्राई किया बार्गेन करने का। हम बैठे हैं टर्किश रेस्टोरेंट में और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया खाना ला के दिया है मुझे। तो स्टार्टर में तो उन्होंने दिया है मुझे ये पोटैटो चिप्स, यहाँ पर है ये नान, टर्किश स्टाइल छोटी से नान है, और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा ये पांच टाइप के सॉस, काफ़ी बढ़िया है। तो शयान अभी घर पे गया है, उसका घर यहीं से स्टेशन के पास में ही है, तो अभी जाके वो शावर लेने वाला है। तब तक मैंने मेरा लंच ख़त्म कर लिया है, तो वो फिर से मुझे ज्वाइन करेगा। वो एंड्रेप में रहता है तो उसको इस सिटी के बारे में बहुत नॉलेज है, तो वो मुझे आसपास का भी घुमाने के लिए ले जाने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका जो वीज़ा है वो रिफ्यूजी वीज़ा है, तो वो ईरान से बेल्जियम में एज ए रिफ्यूजी आया है। तो बात ऐसी है कि वो वापस ईरान जा नहीं सकता 5 साल तक, तो अगर उसको उसके फैमिली को मिलना है ईरान जाके वो नहीं जा सकता, क्योंकि ये कंडीशन है, क्योंकि एज अ रेफ्यूजी अगर आप ईरान से बेल्जियम में आ रहे हो तो 5 साल तक आप आपके कंट्री में वापस नहीं जा सकते। तो जब भी उसको आप उनके पेरेंट्स को मिलना होता है तो वो टर्की जाता है, क्योंकि टर्की से ईरान पास में, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो ईरान से टर्की में आते हैं और ये बेल्जियम से टर्की जाता है, वहाँ पर वो मिलते हैं। बट अगर ये गलती से अगर ये ईरान चले गया 5 साल के अंदर और यहाँ की गवर्नमेंट को पता चल गया, तो उसका जो रेफ्यूजी स्टेटस है वो हट जाएगा और उसको वापस ईरान भेज दिया जाएगा। You have to push us. Keep and push. Yeah. मैंने आज तक कभी ये चला ही नहीं है, बार्सिलोना में तो काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, बट मैंने ट्राई किया है आज, काफ़ी थोड़ा हार्ड लगा मुझे चलाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा रास्ता जो है वो फ्लैट नहीं है, बट अच्छा एक्सपीरियंस था। आने वाले हैं यहाँ पर एक टेंपल है, ये मुझे पता नहीं था, बट शायद ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक इंडियन टेंपल है, और मैंने अभी सर्च किया उसको तो वो निकला जैन टेंपल, तो काफ़ी बड़ा और अच्छा खासा टेंपल है वो, और अभी हम दोनों वहाँ पर जाने वाले हैं। सिटी ऑफ मठ मठ फैशन, बिकॉज हियर इज अ फाइव बिग यूनिवर्सिटी एंड स्कूल फॉर द फैशन डिजाइनिंग। तो दोस्तों ये स्टैचू लगा हुआ है यहाँ के एक फेमस डिज़ाइनर का,
और इसके पीछे ही आप दो बिल्डिंग्स देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया ये बिल्डिंग लगी है। बट मुझे लगा कि ये कुछ इज दिस अपार्टमेंट अपार्टमेंट और होटल। नीचे आप देख रहे हो अरमानी एक्सचेंज का स्टोर लगा है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि नीचे स्टोर्स है और ऊपर जैसे आप देख रहे हो ये अपार्टमेंट है। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं मार्केट में, यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारे स्टोर्स है, H&M, रिचुअल, आगे भी काफ़ी सारा मार्केट है। बट आज पता नहीं क्यों यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, ऑलमोस्ट आधे शॉप्स तो बंद है यहाँ पर और लोग भी काफ़ी कम है। यहाँ पर मुझे यूनिक्लो का स्टोर भी दिखा है जो कि जैपनीज़ ब्रांड है।